प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज कांगड़ा घाटी में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए धर्मशाला होटल एसोसिएशन ने टूरिज्म फेस्ट के रूप में एक नई पहल की है। पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित अपनी तरह के इस पहले और बड़े मेगा इवेंट में देश भर की 200 से ज्यादा ट्रैवल कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दो दिवसीय धर्मशाला टूरिज्म फेस्ट में 100 से ज्यादा होटल और स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों ने अपने स्टॉल लगाए और मेहमानों के साथ जानकारियां साझा की। वी मस्ट ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम नॉट ओनली इन हिमाचल रादर एज अ टूरिस्ट टूरिज्म वी शुड गो फॉर मोर प्लेसेस एंड कवर अप मोर एरियाज। It has never happened before in the history of Himachal, and it will definitely boost the tourism in Himachal. It's a first show, and we hope that it progresses when years to come. Club Mahindra is known to create such destinations, and in the past, if you see, there are a lot of places like Binsar, places like Kanda Ghat, which were not on the tourist map, and Club Mahindra has brought it on a tourist map. So we are definitely on it, and we want a lot of unexplored places इन एंड अराउंड हिमाचल टू बी शोकेस्ड। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जिन टूर ऑपरेटर्स को बुलाया है वो यहाँ का बिजनेस करते हैं, यहाँ पे अपने टूरिस्ट को भेजते हैं। आप एक और कोशिश करिए कि इसमें ऐसे इवेंट्स में उन एजेंट्स को भी बुलाएं जो यहाँ का काम नहीं कर रहे हैं, और वो यहाँ पे आके जब इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो वो और कुछ यहाँ पे बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। हमारी कांगड़ा वैली, उसके जो रिलीजियस सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, और हमारा जो यहाँ का एडवेंचर और हमारी जो यहाँ की सुंदरता है उसको निहारने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए हमने एक एफर्ट्स किया है, एक थोड़ा सा हमने प्रयत्न किया है कि लोगों को हम अपनी कांगड़ा वैली के बारे में कुछ बताएं। हिमाचल, आप सब जानते हैं कि एक बढ़ते हुए कदम है हिमाचल के टूरिज्म की तरफ, सरकार का भी काफ़ी ध्यान है, और हिमाचल इतनी खूबसूरत जगह है कि आप पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं। धर्मशाला टूरिज्म फेस्ट में देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटन कारोबारियों को कांगड़ा घाटी के मनोरम टूरिस्ट सर्किटों की सैर भी करवाई गई, पहाड़ की संस्कृति से भी रूबरू करवाया गया। यही नहीं, फेस्ट के दौरान मेहमानों ने कांगड़ी धाम का स्वाद भी चखा। इसके अलावा उन्हें पहाड़ी हस्तकलाओं, कांगड़ा चाय व कांगड़ा पेंटिंग से भी वाकिफ करवाया गया। बड़ी खुशी की बात है कि देश के विभिन्न कोनों से जो है यहाँ पे लोग आए हैं, और उन्होंने ना केवल यहाँ की पर्यटन स्थलों के बारे में जाना है बट यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, किस प्रकार की नई व्यवस्थाएं जो हैं वो दी जा रही हैं उनके बारे में भी उन लोगों को बताया गया है। अब तक तकरीबन मैं 5-6 हज़ार पेंटिंग जो बना चुका हूँ कांगड़ा पेंटिंग की, और 2014 में मेरे को राष्ट्रपति जी ने नेशनल अवार्ड दिया है। इस कार्यक्षेत्र में मैंने कई जो है बच्चे भी तैयार किए हैं स्टूडेंट्स, जिनको कांगड़ा पेंटिंग के बारे में काफ़ी अब तक वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अपना अपना मतलब रोजगार भी कमा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आगे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि और भी जो यहाँ के लोकल जो एरियाज हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन हैं, ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पर आके उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है वो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और धर्मशाला में हो रहा है ये हमारी सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। कांगड़ा घाटी में पर्यटन मंदी की मार झेल रहा है। पिछले कुछ समय से यहाँ सैलानियों की आवाजाही में कमी दर्ज की गई है, और इस ट्रेंड को बदलने के मकसद से ही टूरिज्म फेस्ट का आयोजन किया गया ताकि दूसरे राज्यों के पर्यटन कारोबारी कांगड़ा के पर्यटन स्थलों के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें और यहाँ के अनछुए टूरिस्ट स्पॉट्स को नई पहचान दिलाने में अहम किरदार निभा सकें। धर्मशाला को, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को डेस्टिनेशन प्रमोट किया जाए जो अभी तक नहीं था। अभी तक एक हाल्टिंग स्टेशन था कि रास्ता लंबा है तो चलो एक रात रुक जाएं। नहीं, हम चाहते हैं कि डेस्टिनेशन बने वो 2-3 दिन रुके, और तभी हो सकता था कि जब हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं वो यहाँ आएं, यहाँ देखें कि क्या होटल, क्या फैसिलिटी है, क्या उसका स्टैंडर्ड है। हमारे जो होटलर हैं उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो सरकार को, होटलर को भी देखना चाहिए कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की उनको बहुत सारी सुविधा देना चाहिए, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे इस एरिए में वेस्टर्न मीट के साथ साथ जो पार्किंग है, जितने भी हमारे रोड हैं वो कनेक्ट हो जाए और पार्किंग बन जाए, तो बाकी सब कुछ हमने इन्वेस्ट तो काफ़ी कर दिए जी। ये जो आयोजन हमने जो किया है, देखिए ये हम हर साल करवाएंगे, और इस आयोजन को हम चाहते हैं कि पूरा हिमाचल हमारे साथ दे और पूरे हिमाचल के साथ मिलकर करवाएंगे। इसमें दो राय नहीं कि कांगड़ा घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक खूबसूरती का अनूठा नज़ारा जो यहाँ देखने को मिलता है वो और कहीं भी नहीं है।
प्राचीन शक्तिपीठों समेत शिव मंदिर बैजनाथ है। वहीं बीर बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम रखती है। धर्मशाला और पालमपुर के अलावा भी यहां अनेक मनोरम पर्यटन स्थल हैं। अगर सही प्रचार प्रसार हो तो पूरी कांगड़ा घाटी पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकती है और इस कड़ी में धर्मशाला टूरिज्म फेस्ट एक अच्छी पहल है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। धर्मशाला से विक्रांत सिंह चौहान की रिपोर्ट।